इसराइल और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच की तनातनी बेहद खतरनाक रूप इख्तियार कर चुकी है। यमन की ओर से दागे गए घातक ड्रोन ने जहां इसराइल में जबरदस्त कहर बरपाया था, वहीं हमले के बाद से भड़का इसराइल भी बिना देर किए यमन पर टूट पड़ा। इसराइल ने जोरदार एयर स्ट्राइक कर यमन के होदेदा प्रांत को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए। इसराइल ने एक बिजली स्टेशन और एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। इस हमले में 8 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 80 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि अगर इसराइल पर हमला होगा तो दुश्मन को पलटवार के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। वहीं अब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी सैन्य अफसरों के हवाले से बताया कि यमन में इसराइल की बमबारी हूतियों को और ज्यादा हमले करने के लिए रोक नहीं सकती है, बल्कि IDF के भड़काऊ कदमों से इसराइल की मुश्किलें और बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि उत्तरी यमन के 20 मिलियन से ज्यादा वंचितों को मानवीय सहायता पहुंचाने वाला होदेदा बंदरगाह इजरायली हमले में तबाह हो गया है। यमनी नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि इसराइल ने यमन की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए जानबूझकर होदेदा बंदरगाह को निशाना बनाया। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। ऐसे में माना जा रहा है कि इजरायली बमबारी का हूतियों के बैलिस्टिक हथियारों और ड्रोन ताकतों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हूतियों की ओर से इजरायल के खिलाफ जल्द ही कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। العمليات التي ينفذها الجيش اليمني إسنادا للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء ولن يمنعنا من الاستمرار في المرحلة الخامسة من التصعيد ضد العدو الإسرائيلي والإسناد للشعب الفلسطيني. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر. इस बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हेगरी ने कहा कि बमबारी यमनी अभियानों को रोकने के लिए की गई थी। बिजली के बुनियादी ढांचे जैसे दोहरे इस्तेमाल के लक्ष्यों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। बंदरगाह एक वैध सैन्य लक्ष्य था। यमन आर्म फोर्स ने वहां पहुंचने वाली अधिकतर मानवीय सहायता को कंट्रोल किया हुआ था। इजरायली कार्रवाई पर एक रिटायर्ड अमेरिकी सैनिक ने कहा कि इजरायली हमले का मकसद अंसर अल्लाह की लाल सागर या इजरायल पर हमला करने की ताकत की जगह यमन को अधिक नुकसान पहुंचाना था। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ये भी दावा किया है कि इजरायली हमलों से यमनी सशस्त्र बल की ताकत बढ़ जाएगी। इजरायल के खिलाफ उनके हमले मजबूत और कहीं ज्यादा होंगे। यमन आर्म फोर्स के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा कि इजरायल ने ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बमबारी कर यमनी लोगों के गुस्से को बढ़ाया है। उत्तर में रहने वाले यमनी लोग खाने पीने समेत जरूरी सामानों के लिए होदेदा बंदरगाह पर ही निर्भर थे। ऐसे में उन सुविधाओं को फिर से ठीक करने में बहुत धनराशि खर्च होगी। पूरे उत्तरी यमन में ईंधन की गंभीर कमी अभी से शुरू हो गई है। इससे अस्पताल सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस पूरी घटना पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इजरायली हमले की निंदा की है। गुटेरेस ने सभी पक्षों से ऐसे कामों से बचने का आग्रह किया जो नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आवश्यक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं।